नमस्कार। कुछ दिन हुआ हमने कलांगन मुंबई नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें अब तक मेरा परफॉर्मेंसेस मेनली कथक के ऊपर, कुछ रविंद्रनाथ टैगोर स्टाइल ऑफ डांस ऐसे हम उसमें दे रहे थे। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि दीदी आप क्यों ना थोड़ा सा उसी में कथा के बारे में कुछ बताइए, थोड़ा सा लेसन हो जाए हमारे लिए। तो मैं सोच रही थी एकदम शुरू से शुरू करें, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम हम करते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, नमस्कार करते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो कथा के लिए भी, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रों हम फॉलो तो करते ही है, पर हमारी जिंदगी में ये एक बहुत ही शुभ चीज है ऐसा हम मानते हैं। और सच में ही है, जब हम कोई मुश्किल में आ जाते हैं, जब बहुत प्रॉब्लम होता है, ये एक चीज है जो हमें फिर से रिवाइव होने के लिए, फिर से ऊपर आने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मदद करता है। और हम फिर से अपने वही पुराने जगह पे वही खुशी के साथ फिर आपके सामने आ जाते हैं। तो आज मैं शुरू करूंगी कि कथक में कैसे खड़ा होना है। शास्त्रीय नृत्य जितने भी है इंडिया में, सब में एक एक अलग अलग पोस्चर है। हर एक पोस्चर देख के हम बोल सकते हैं, जिन लोग ने शास्त्रीय नृत्य से काम करते हैं, जुड़े हुए हैं, सबको पता है कि आप अगर खड़े हो जाए तो देख के हम बोल देंगे कि कौन सा डांस अभी शुरू होने वाला है। तो कथक के लिए जो है बहुत ही सुंदर, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कथक जो है ना रियल लाइफ से बहुत क्लोज है, बहुत जुड़े हुए है। तो सब कुछ हमारा बहुत नेचुरल नॉर्मल होता है। तो जिस तरह से इंसान नॉर्मल लाइफ में खड़े होते हैं, उसी तरह से हम खड़े होते हैं, खाली हाथ हमारा यहां आता है। ये देखिए सेंटर पे हम आ गए, क्योंकि कथक एक ऐसे शास्त्रीय नृत्य है जो नॉर्मल लाइफ, साइंस, माइथोलॉजी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, सब कुछ मिला के एक नृत्य है। धीरे धीरे मैं भी बताऊंगी और आप लोग जो करते हो आप लोग भी रियलाइज करते हो कि किस तरह से ये मैथमेटिक्स, मतलब अगर मैं बोलना शुरू करूं तो बहुत कुछ बोलना है, तो आज खाली इतना ही बोलूंगी कि आपका बॉडी स्पाइन एकदम सीधा रखना है और आपका बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है वहां आपका हाथ रखना है। पहले इसका कुछ नाम नहीं था, हम ऐसे खड़े हो जाते थे, पर हम सबको पता है कि जब से बिरजू महाराज जी इस फील्ड में काम कर रहे हैं और इतने सालों से हम सब लोग इतना सीख रहे हैं, तो महाराज जी का ये पोस्चर का नाम उन्होंने दिया है उत्पत्ति। सब बहुत सुंदर नाम, क्योंकि यहां से हर एक हस्तक हमारा शुरू होता है। मैं बच्चों को इस तरह से सिखाती हूँ कि ये आपका घर है, दिस इज योर होम। अगर आप स्कूल गए फिर वापस घर पे आइए, अपना स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करिए, फिर आप खेलने जाइए, खेल के आ गए अभी आपको ट्यूशन में जाना है, फिर यहां से आप जाइए ट्यूशन टीचर के पास। तो घर ऐसे जगह है जहां आपको बार 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 आना है और वहां से बाकी जगह जाना है। तो दिस इज कॉल्ड उत्पत्ति, ओरिजिन, यहां से सारे हस्तक शुरू होता है। तो ऐसे हम खड़े होते हैं, एकदम बेसिक नमस्कार, इट्स नॉट द कथक बोल के साथ, मतलब ये ऐसे नमस्कार है जो हम कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान को याद करते हैं। तो ऐसे हम खड़े हो जाते हैं और एक छोटा सा तिहाई हम पढ़ते हैं, तिटिकता गदी के धा, तिटिकता गदी के धा, तिटिकता गदी के ता, सम्राट पर ध्यान करते हैं ता में, फिर ता थे थे तत् आ थे तत् ता थे तत् आ थे तत् ता ता। ये मैंने 16 मात्रा का किया, क्योंकि कथक में जो मेन बच्चों से शुरू होता है और
सीनियर्स भी कितने भी महान कलाकार सभी लोग तीन ताल, इसके अलावा कथक बहुत कुछ है, पर ये एक ऐसे ताल है जो तालों का राजा हम मानते हैं और बहुत काम ये तीन ताल में हम करते हैं। और तीन ताल का जो बेसिक फुटवर्क है वो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आगे आप कथक कर भी नहीं पाएंगे। फिर से मैं आपको एक बार खाली नमस्कार का क्या मतलब होता है जो मैंने अभी किया। पहले हम एक बार संपे ता पैर मारा, ता ये मारने का ऐसे है हम मानते हैं, ये जो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं ना शायद आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, थ्योरी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं जो ऑलमोस्ट 50 साल से मैं ये सीख रही हूँ, सोच रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे आप किसी के घर जाओ तो आप डोरबेल बजाते हो, आप मंदिर में जाते हो तो घंटा बजाते हो, तो ये भगवान को आपने नॉक किया कि मैं आपके दरबार में आ गई हूं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर जो धरती माता के ऊपर हम डांस करते हैं, सो धरती माता से हम परमिशन लेते हैं, कैन आई डांस ऑन यू। फिर हमारे चारों तरफ जो भी है सबको मेरा प्रणाम, फिर हम अपना आगे का नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे लगता है ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम तीन ताल शुरू करेंगे। नमस्कार।